राजधानी भोपाल के कोही फिजा थाना क्षेत्र में आरक्षकों पर हमला करने वाले आरोपियों पर अब भोपाल पुलिस का कहर टूट पड़ा है। हमले के बाद से ही भोपाल पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिसकर्मी विजय यादव की पीठ पर चाकू से वार करने वाले आरोपियों की दुकानें हटाने की कार्रवाई की गई। आरोपियों की दुकानों के आसपास अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानें भी हटाई गई। दल बल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। दुकानों के साथ ही उनके घरों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। एएसपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि घटना में शामिल उमर उर्फ पन्नी की करवाला रोड स्थित दुकानों और गुमटियों को हटाया गया है। यहीं पर बदमाश अपनी बैठक करते थे। यहां पर स्थित कई दुकानों को हटाया गया। स्थानीय और दुकानदारों के विरोध को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि लोगों ने विरोध जरूर जताया, लेकिन कार्रवाई पर इसका असर नहीं पड़ा। कुछ बदमाशों की खबर लगी थी हमीदिया कैंपस के अंदर, तो उसमें से हमारी पुलिस पार्टी गई थी, तो वो बदमाश नशे की हालत में थी, जिनके द्वारा हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारियों पर हमला बोला गया, जिसमें से एक कॉन्स्टेबल विजय बहादुर यादव को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। उसमें से प्राथमिकी दर्ज की गई है। अलावा 5-6 लोग पुलिस अभिरक्षा में लिए गए हैं। एक जिस गाड़ी से लोग गए हुए थे वो गाड़ी ली गई है। बाकी लोगों की पतरसी की जा रही है। नगर निगम भी ऐसे साथ अपराधियों के इंक्रोचमेंट और इनलीगल जो निर्माण कार्य हैं उसको जमींदोज कर रहा है। ठीक है, कितनी जगह पर सर ये कार्रवाई की गई है? ये अभी थाना कोई वजह से करबला रोड पर लगभग 10-12 गुमटियाँ थी और होटल दुकानें थी, उनको जमींदोज किया गया है। उसके बाद जो दूसरा आशीर्फ आसू उसके मकान को खाली करवाया गया, उसका सामान मकान से बाहर किया गया है। और तीसरी कार्रवाई अभी हैदर के दर पर की जा रही है, जो नगर निगम के अमले के द्वारा की जा रही है, जो इनलीगल तरीके से बनाया गया है। सभी के घरों से सामान निकलकर जब्त किए गए। उधर हवलदार पर हमले के मामले में पुलिस ने 6 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी बारात निकाली। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।